डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग एलियट कीटोन कार्बोक्सिलिक में लास्ट लेक्चर टॉलरेंस रीजन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दैट इज अ फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन भी एज इट इज टॉलरेंस रीजन जैसा ही, बट फेलिंग सोल्यूशन भी क्या है ना, अगर हम लोग बात करें तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये जो आपका है टॉलरेंस रीजन से लो होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं टॉलरेंस रीजेंट को, इनशॉर्ट अपन लोग टी आर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी आर इज मोस्ट ग्रेटर देन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी टॉलरेंस रीजेंट देती हैं बट फेलिंग सोल्यूशन नहीं देती हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हम आपको क्लियर करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग सीख लेते हैं फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है। गाइस, फेलिंग सोल्यूशन की अगर बात करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन सबसे पहले यूज कहां होता है इसको भी देख लेते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मोस्टली हम लोग जानते भी हैं कि इसको यूज करने का सबसे अच्छा बेस्ट प्रोसेस होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स और एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर फेलिंग सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो उसको आइडेंटिफाई करता है। चेक करते हैं फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये एक आपका मिक्सचर होता है गाइस, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। बोल देते हैं हम लोग सोल्यूशन ए भी कह सकते हैं इसको एंड सोल्यूशन बी, बट सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी होता क्या है इसको चेक कर लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ए, सोल्यूशन ए की जगह अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है कॉपर सल्फेट एंड सोल्यूशन बी जो होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सिंपल सा है बच्चों, बस ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन में यूज होगा। कि सिंपली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की अगर बात करें तो इसको एक नेम से और जानते हैं जो कॉमन नेम होता है रोसले साल्ट। सिंपल सा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, दिस इज अ कॉपर सल्फेट। एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग बाय स्ट्रक्चर के बता देते हैं जिससे कि आपको कंफर्म हो सके, क्लियर हो सके ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट COO, और इस साइड एक Na जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे OH एंड OH, देन H और H। स्ट्रक्चर इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो काइल कार्बन है आपके, दो काइल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो इसके मिक्सचर को अपन लोग बोलते हैं क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड कॉपर सल्फेट के मिक्सचर को बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन। सीधी सी बात है, यहां से ये कुछ नहीं करेगा, केवल कॉपर 2+ Cu2+ रिलीज करेगा, यही पूरा फंक्शन करेगा एल्डिहाइड को चेक करने के लिए। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत ही इजी होता है बट उसको समझना होता है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगा। चलिए देखिए, Cu2+, अगर हम लोग Cu2+ की बात करें, ये कॉपर आयन से इसका जो कलर होता है बच्चों, बस कलर से ही पहचाना जाता है, दिस इज अ ब्लू कलर। और इसको जब हम लोग यूज करते हैं RCHOaldehyde के साथ, तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है सिंपली RCOO- यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये बना लेता है यहां से Cu2O। इसका जो कलर हो जाएगा वो रेडिश ब्राउन कलर। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है। अब देखते क्या है, Cu2+, और यहां पे अगर ऑक्सीडेशन चेक करेंगे कॉपर की, तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन चार्ज +1 आएगा, और यहां से इसका क्या हो रहा है, इसका बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली इसका रिडक्शन हो रहा है। सिंपली इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। बस यही चीज यहां पे समझनी थी आप लोगों को, कि जो Cu2+ होता है फेलिंग सोल्यूशन, ये Cu2+ आता कहां से, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड फेलिंग सोल्यूशन बी जो पार्ट था आपका कॉपर सल्फेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी मिक्सचर से आपका Cu2+ आता है। और Cu2+ को अगर हम लोग एल्डिहाइड के साथ यूज करेंगे तो एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक में, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं आपकी जगह। तो बच्चों सिंपल सा आप लोग समझ चुके हैं, देखो
फेलिंग सोल्यूशन एंड टालेंस रिएजेंट दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऐसा हम लोग यहाँ पे एक केस देखते हैं, केस का मतलब केस नंबर फर्स्ट। जैसे अगर हम लोग कह देते एक को एक एग्जांपल ही ले लो या केस को देख लो, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने, क्या लिया है बेंजल्डिहाइड CHO, तो ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट इसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल सा बेंजोइक एसिड में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ये आप लोग अच्छे से समझिएगा, टॉलेंस रिएजेंट इज कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। बट फेलिंग सोल्यूशन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं देता है। बस इसीलिए यहाँ पे यही डिफरेंस पैदा करता है आपका टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन में। फेलिंग सोल्यूशन आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट भी है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग फेलिंग सोल्यूशन है, फिर भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो आपकी है वो टॉलेंस रिएजेंट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फेलिंग सोल्यूशन। सिंपल सी बात है बच्चों, समझ में आप लोगों को आया होगा, आई होप पूरा वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, फेलिंग सोल्यूशन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड को चेक करने के लिए। एल्डिहाइड का वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर देखा जाए तो जो आपका फेलिंग सोल्यूशन होता है ये मिक्सचर होता है सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है और सोल्यूशन बी जो होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको एक नेम से और जानते हैं जो कॉमन नेम होता है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, रोसले साल्ट, ठीक है। जब मिक्सचर का जब आपका रिएक्शन होगा आपकी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से और साथ ही साथ कॉपर सल्फेट से, तो वहां से आपका सिंपली एक सीयू टू प्लस आयंस आएगा और वही सीयू टू प्लस आयंस क्या काम करेगा, सिंपल आपका कार्बोक्सिलिक सॉरी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा और खुद उसका जो ब्लू कलर था वो उसका ऑक्सीडाइज होकर के रिड्यूस होकर के CO2 बना लेगा। बस गाइस इतना ही आपको समझना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।